हाय एवरीवन, आप सब कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और खूब मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है क्या है? रिपोर्टाज है। रिपोर्टाज मतलब रिपोर्ट, जैसे कोई कहीं पे घटना हो जाती है और वहाँ पे जाके वहाँ का मतलब आँखों से अवलोकन करके, आँखों से देख के उस घटना के बारे में लिखना, तिथिक्रम के अनुसार लिखना ही क्या है, रिपोर्टाज कहलाता है। और रिपोर्टाज जो है, इसका अगर पूछे कि किस शब्द से इसका उद्भव हुआ है, किस भाषा से इसका उद्भव हुआ है, तो क्या ये फ्रांसीसी कैसा है, ये इसका जो ये रिपोर्टाज जो शब्द है कैसा शब्द है, ये फ्रांसीसी है। फ्रांसीसी ये बहुत पूछा जाता है कि फ्रांसीसी या फिर अंग्रेजी, फ्रेंच, ये सारी चीज़ें बहुत कंफ्यूज करती हैं। तो मैंने रिपोर्टाज को क्या किया था, जैसे रिपोर्ट में हम देख रहे हैं पा आया है ना, पा के बाद क्या आता है, फा आता है। तो अगर आपको पूछे कि रिपोर्टाज या कैसा शब्द है, अरबी है कि फ्रांसीसी है या अंग्रेजी है, तो आप लोग इसको मैंने ट्रिक कर लिया था, आप भी कर सकते हैं। पा के बाद क्या आता है, फा आता है। तो रिपोर्टाज किस शब्द से है, किस भाषा से लिया गया है, कैसा शब्द है, ये फ्रांसीसी शब्द है। और ये रिपोर्टाज जो है, इसका अगर देखें तो सर्वप्रथम इसका जो उद्भव हुआ था कहाँ होता है, रूस में। रिपोर्टाज जो विधा थी इसका सर्वप्रथम रूस में, और एक राइटर थे एहेन वर्ग, एहेन एक क्या नाम था इनका, एहरेन वर्ग नाम था इन्हीं को क्या है, सर्वप्रथम रिपोर्टाज। अगर कहे रिपोर्टाज का जनक किसे कहा जाता है, तो हम किसे मानेंगे, एहरेन वर्ग को मानेंगे। लेकिन हिंदी में रिपोर्टाज का जनक, एक चीज़ याद रखना, अगर पूछे हिंदी में क्या है, हिंदी शब्द अगर जोड़ दे, हिंदी में जनक पूछे रिपोर्टाज का, तो हम किसको मानेंगे, शिवदान सिंह चौहान। कौन है, यहाँ पे लिखा हुआ है शिवदान सिंह चौहान है। इनका जो पहला रिपोर्टाज है क्या है, लक्ष्मीपुरा 1938 में। ये 1938 में क्या हुआ था, प्रकाशित हुआ था, रूपाव पत्रिका थी। कैसी पत्रिका, कौन सी पत्रिका थी, रूपाव पत्रिका थी, उसी में क्या है ये प्रकाशित हुआ था। उस समय क्या है, कौन सा युद्ध चल रहा था, द्वितीय विश्व युद्ध। प्रथम वाला जो चलता है वो 14 से 19 चलता है, प्रथम विश्व युद्ध। लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध की बात करें तो वो लगभग 38 के समय वो चल ही रहा था। तो आप लोगों को अगर पूछे कि रिपोर्टाज विधा का जो जन्म होता है वो प्रथम विश्व युद्ध के आसपास होता है या द्वितीय विश्व युद्ध के आसपास, तो याद रखना ये द्वितीय विश्व युद्ध के आसपास होता है। ये चीज़ हो गई। इसके बाद हम अब पढ़ते हैं रिपोर्टाज, जो यहाँ पे रिपोर्टाज थे, जिसको एग्ज़ाम में अक्सर पूछ लिया जाता है और हमें याद नहीं रहता, क्योंकि रिपोर्टाज हो गया, डायरी हो गया, पत्र पत्रिका पत्र साहित्य हो गया, तो इन सब पे थोड़ा सा हमारा ध्यान कम जाता है और हमारा क्वेश्चन हो जाता है गलत। उसको हम आज ट्रिक से याद करेंगे। देखते हैं शिवदान सिंह चौहान का जो है, मैंने बता ही दिया लक्ष्मीपुरा। हिंदी का प्रथम रिपोर्टाज अगर पूछे तो हम किसको मानेंगे, लक्ष्मीपुरा को कहेंगे। रूपाव पत्रिका में 1938 में ये प्रकाशित हुआ था, ये बात आप लोग याद रखना। इसके बाद है रांगे राघव। कौन है, रांगे राघव का है तूफानों के बीच। अब देखिए, राघव को मैंने याद कर लिया था, जब राम का वनवास होता है, राघव का वनवास होता है, तो वो तूफानों के बीच घिर गए थे कि नहीं, जब राघव का वनवास हुआ तो वहाँ पे क्या हुआ, उनके साथ सीता का हरण भी हो गया, उसके बाद लक्ष्मण को शक्ति भी लग जाती है, तो वो क्या थे, राघव तूफानों के बीच जो है घिर गए थे। तूफानों का बीच किसका है, रांगे राघव का है। इसके बाद है प्रकाश चंद गुप्त का है, और फिर इनका बंगाल का अकाल पूछा जाता है, प्रकाश चंद गुप्त का बंगाल का अकाल पूछा जाता है। लेकिन इनका है स्वराज भवन, और एक है अल्मोड़े का बाजार।
एक और भी पूछा जाता है, अल्मोड़े का बाजार, अल्मोड़े का बाजार पूछा जाता है। ये दोनों पूछी जाती है तो याद रख लेना। मैंने याद किया था कि प्रकाश, अगर कहीं पर प्रकाश नहीं जाएगा तो क्या हो जाएगा, अकाल पड़ जाएगा ना। अगर प्रकाश नहीं होगा, प्रकाशित नहीं होगा, सूर्य का प्रकाश कहीं नहीं पहुंचेगा तो अकाल तो पड़ ही जाएगा, तो क्या हो जाएगा, बंगाल का अकाल हो जाएगा, प्रकाश चंद्र गुप्त का और अल्मोड़े का बाजार। और बाजार हम जाते हैं तो प्रकाश रहते ही वापस आ जाते हैं गांव में। अभी तो जैसे शहरों में होता है कि रात को निकलते हैं, लेकिन हमारे गांव में क्या होता है कि जब तक दिन रहते ही क्या होता है, मार्केट से आ जाना होता है। तो वहीं से मैंने याद कर लिया था कि प्रकाश के रहते ही हम लोग अल्मोड़े के बाजार से वापस आ जाते हैं। तो किसका है, प्रकाश चंद गुप्त का। इसके बाद है उपेंद्रनाथ हस्क। आप लोग देखिए, उपेंद्रनाथ हस्क का बहुत पूछा गया है, पहाड़ों में संगीत क्या है, पहाड़ों में संगीत है उपेंद्रनाथ हस्क का। हमने जो याद किया था, पहाड़ों में प्रेममय संगीत, अगर कहीं आप पहाड़ में अकेले हो, प्रेममय संगीत बज रहा है तो क्या आँखों में अश्क आ जाते हैं कि नहीं। जैसे होता है कुछ, मैंने बताया था कुछ गीत ऐसे होते हैं बहुत ही दर्दनाक होते हैं, ऐसा मतलब उसमें ऐसा रहता ही है कि उसको सुन के क्या होता है, अश्क आ जाते हैं, आँखों में आंसू आ जाते हैं। तो संगीत, प्रेममय संगीत को सुन के हमारी आँखों में क्या आ जाता है, अश्क आ जाते हैं। तो पहाड़ों में प्रेम में संगीत किसका है, उपेंद्रनाथ अस्क का है। धर्मवीर भारती युद्ध यात्रा, इसको याद ही नहीं करना है, धर्म में धा आया है, युद्ध में भी धा आया है, ऐसे याद कर सकते हैं, या फिर याद कर लो जो धर्म का वीर है वही युद्ध यात्रा में जाता है, जो धर्मवीर होगा वही युद्ध की यात्रा को चुनेगा, वही युद्ध में जाता है। इसके बाद है कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर का है, छड़ बोले गण मुस्काए। कन्हैया लाल जो कृष्ण हैं, कन्हैया हैं, कैसे हैं, छड़ बोले कर मुस्काए, उनकी मुस्कान को क्या उपमा दी जाती है ना, सूरदास ने जिस तरह से श्री कृष्ण का वर्णन किया है अपने आप में एकदम मतलब अद्भुत है, अतुलनीय है। तो कन्हैया कैसे थे, छड़, वो हर छड़ मुस्कराते रहते थे, कैसे थे, हर छड़ मुस्कराते रहते थे, छड़ बोले कर मुस्काए, किसका हो जाएगा, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर का हो जाएगा। इसके बाद हैं शमशेर बहादुर सिंह, शमशेर बहादुर सिंह का क्या है, प्लाट का मोर्चा, मैंने इसको याद करवाया था, जो बहादुर होगा शेर की तरह, जो बहादुर होगा वही तो मोर्चा संभालेगा, जो शेर की तरह बहादुर होगा वो क्या करेगा, वही प्लाट का मोर्चा संभाल पाएगा। इसका समय देख लीजिए 52 में है। इसके बाद है फणीश्वर नाथ रेणु, रेणु को मैंने अपने ही नाम से याद कर लिया था, क्योंकि हमें रचनाओं को याद करने से मतलब है, ये नहीं कि मेरी क्वालिटी उसमें है कि नहीं, ठीक है कि नहीं, वो तो दूसरे जज करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमें भी लगता है कि हाँ हमारे अंदर ये गुण है। तो हमने क्या किया था, रेणु को अपने नाम से रेणु कर लिया था, और क्या किया था, ऋण जल धन जल, इनका क्या है, ऋण जल धन जल, ऋण जल का मतलब है जल की कमी और धन जल का मतलब है जल की अधिकता। उस समय क्या था, बिहार में आया था मतलब बाढ़ भी और सूखा भी बिहार के ऊपर इन्होंने लिखा हुआ है। तो ऋण मतलब होता है घटना, जो मैथ की गणित की भाषा में होता है, ऋण का मतलब घटना और धन का मतलब जोड़ना मतलब प्लस। तो वही यहाँ पे है ऋण धन जल धन, मैंने याद कर लिया था, मेरे पास जो है ऋण भी है और बाद में धन आता है। पहले तो ऋण होता है मतलब पहले हमारे पास पैसे नहीं थे, बहुत सारा मतलब बहुत समस्या थी, पढ़ रही थी, जब सबके पास होता है कि जब वो पढ़ता है तो बहुत सारी समस्याएं होती है, तो मैंने वहीं से लिंक कर लिया था कि मेरे पास रेणु के पास पहले ऋण था और फिर क्या होता है, धन भी आता है, एकदम जल की तरह धन जल हो जाता है। फिर क्या है, श्रुत आश्रुत, और उसके दौरान बहुत चीज़ें वो सुनती भी है और बहुत चीज़ें अनसुना कर देती है। मतलब श्रुत मतलब क्या यहाँ कर लिया था कि वो बहुत चीज़ें क्या है, श्रुत मतलब सुनती भी है और कुछ चीज़ों को इग्नोर भी
ही कर देती है आश्रुतपूर्व, श्रुत और आश्रुतपूर्व हो जाएगा। एकलव्य की तरह अपने नोट्स खुद बनाती है, एकलव्य जैसे खुद ही मतलब द्रोणाचार्य की प्रतिमूर्ति बना के सीखता है, उसी तरह मैंने याद कर लिया था, एकलव्य की तरह अपने नोट्स खुद बनाती है। और यहाँ पे हो गया ख़त्म। फिर क्या है, विवेकी राय। विवेकी राय का पूछा जाता जुलूस रुका है, यहाँ पे इसका विधा पूछ लेता है, जुलूस रुका है कि विधा क्या है। तो आप लोग याद रख लेना, जुलूस कहीं रुकेगा तो वहाँ पे क्या रिपोर्टर तो आएंगे ही, कहीं जुलूस अगर रुका है तो वहाँ पे मीडिया आएगी, रिपोर्टर तो आएंगे, तो जुलूस रुका है कि विधा क्या हो जाएगी, रिपोर्टाज, और हो जाता है इनका बाढ़। बाढ़ कहीं जुलूस रुका है तो हमारे अंदर विवेक होना चाहिए, और बाढ़ जब आ जाती है, बाढ़ बाढ़ बाढ़, तो भी हमारे अंदर विवेक होना चाहिए। यहाँ है राम कुमार वर्मा। राम कुमार वर्मा का पेरिस के नोट्स बहुत पूछा जाता है। राम कुमार वर्मा, जब कोई कुमार है वर्मा, जबकि उसके जब कोई कुमार है और वर्मा, जब वो वर्माला पहन लेता है तो कहाँ जाता है घूमने, पेरिस जाता है घूमने, पेरिस के नोट्स हो जाएगा। और भी कुछ हैं, जैसे यहाँ पे नहीं आ रहा था तो मैंने नहीं लिखा, श्रीकांत वर्मा का है मुक्ति फौज, एक है मुक्ति फौज है, किसका हो जाएगा, श्रीकांत वर्मा का मुक्ति फौज, श्रीकांत वर्मा। और एक है चंडी प्रसाद का है युवराज की यात्रा, पूछा जाता है युवराज की यात्रा, अगर पूछे युवराज की यात्रा तो आप लोग याद रख लेना, युवराज अगर शब्द आ जाए, युवराज की यात्रा, तो किसका हो जाएगा वो, चंडी प्रसाद का, किसका, चंडी प्रसाद सिंह का हो जाएगा। दो तीन हैं जो कभी कभी पूछ लेता है, लेकिन जो मैंने यहाँ पे आप लोगों को याद करवाया यही ज़्यादा करके पूछता है, तो मुझे लगता है आप लोगों को याद हो गया होगा। और मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। थैंक यू।